वेलकम टू माय चैनल बीआरएस डायवर्जन एंड आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं एक नए एडवेंचर पे। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले थोड़ी GTA 5 का सिटी जो कि है लॉस सैंटोस, सैंटोस या संतोष या कुछ भी बोले, लॉस सैंटोस है जिसका नाम। सो आज हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाले हैं और जैसे कि मेरा फोन अभी स्लीप मोड है मतलब मुझे कोई मिशन का कॉल नहीं आने वाला है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खेलन दृश्य। So, सबसे पहले तो मैं अपनी गाड़ी बैठने वाला, उसके बाद मैं मैप खोलूंगा शांति से, उसके बाद देखेंगे हम कहाँ जा सकते हैं। रे देवा ओके, मुझे ये रेडियो की जरूरत एकदम नहीं क्योंकि मुझे रेडियो एकदम पसंद नहीं। ओके, हम मैप में आ चुके हैं तो यहाँ पर मुझे देखना कहाँ जाना सबसे बेस्ट रहेगा। मैंने बहुत जगह गया नहीं हूँ, बहुत जगह मैं गया भी हूँ। सो यहाँ पर बेस्ट जगह हो सकती है मे बी केबल का, क्योंकि मैं केबल कार बहुत कभी जिंदगी में बहुत वैसे मैं गया ही नहीं कभी, सच बात तो ये है। तो मैं जाने वाला हूँ केबल कार और जिसका मैप अभी तक लोड नहीं हुआ। ये आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका मैप इसलिए लोड नहीं हुआ है क्योंकि GTA 5 का स्टोरी मोड आपको खेलना पड़ता है, फिर जाके आपका वो मैप अनलॉक होता है जो कि अभी तक हुआ नहीं है। बट मैंने सोचा यार GTA 5 खेल तो रहे, स्टोरी मोड के साथ साथ ऐसा ही कुछ चलाते रहेंगे जिसमें हमें मज़ा आए और ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिले जो हमने कभी देखी नहीं है। तो केबल कार इन GTA 5 दैट इज ब्रेकिंग क्राइज है। तो हम चलते हैं अपने केबल कार के वहाँ पर और जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करते हैं हम। ओके, सो एक तरह से क्रिएटिव का अपने अगर मेरा एपिसोड दिखाओ तो वैसे एक तरह से एक्सप्लोरेशन, बट ये GTA 5 के अंदाज में। तो GTA 5 अभी तक मुझे खेल के बहुत ही बेहतरीन लगी। तो 9 किलोमीटर दूर है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं, हम पहुँच सकते हैं बट आराम से। दोस्त मैं टैक्सी लेता और जल्दी पहुँचता, बट एक पर्सनल कार का अलग ही फीलिंग होता है ना देवा, इसलिए मैं अपने पर्सनल कार से ही जा रहा हूँ और GPS जो कि बहुत ही बेहतरीन है जिससे हम जल्दी से जा सकते हैं। हाँ, और ये ट्रैफिक मेन कभी कम नहीं होता है GTA 5 में, सिर्फ एक आपको आई थिंक सुबह का वक्त मिला एकदम सुबह जब आपको ये ट्रैफिक कम मिलेगा। सो जल्द से जल्द हम कोशिश करते हैं केबल कार पहुंचने की। और मुझे ये अच्छा लगा देख के कि आप लोगों को GTA 5 की सीरीज पसंद आ रही है। सो थैंक यू सो मच यार, आपका लाइक मुझे बहुत, जब भी आप लाइक करते हो मुझे मज़ा आता है क्योंकि एक तरह से उसमें मुझे मोटिवेशन मिलती है यार कि मुझे और काम करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर द सपोर्ट फॉर दिस वीडियो फॉर दिस सीरीज। सो चलते हैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यार GTA 5 एक्सप्लोर बनाएंगे और साथ में स्टोरी मोड भी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो टेंशन नॉट, स्टोरी मोड भी निकलेगी, सो प्लीज एंजॉय दिस वीडियो मम्मी। ओके, हियर वी गो। तो 8 किलोमीटर दूर है हम। ओके, हम पहुंच सकते हैं जल्द से जल्द। मुझे स्टोरी मोड अभी तक मैंने ट्रेवर को देखा नहीं, ट्रेवर को एकदम फर्स्ट में देखा जैसे कि आपने सभी ने देखा ट्रेवर को, बट मुझे देखना है वो उसकी एंट्री होती कैसे है क्योंकि मुझे नहीं पता है उसकी एंट्री कैसे होती है, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बट अभी तो मुझे एक्सप्लोरेशन में ध्यान देना चाहिए, मैं बाद में जब होगी तब हम उसके बारे में बात करेंगे। और जैसे कि मैं ज़्यादा अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें ज़्यादा डैमेज ना लगे, या डैमेज ज़्यादा ना लगे। डैमेज अगर लग गई तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूँ, यार डैमेज लग क्यों रही है, मुझे ये लगता है वो मेन। यहाँ पर अगर हम केबल कार देखेंगे तो मज़ेदार एडवेंचर होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे पैसे सही मात्रा में हैं क्योंकि मैंने मेरा गेम स्टार्टिंग से है, ऑब्वियसली मैंने मिशन कम किए तो मेरे पास पैसे कम भी हो सकते हैं। अगर वो केबल कार पैसे से अगर चलती होगी तब तो मेरा हो जाना है, अगर मेरे पास पैसे हुए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो मेरा गेम खत्म। ओके, लेट्स सी, वो जाने के बाद ही पता चलेगा हमें। 7.5 किलोमीटर दूर है और ज़्यादा दूर नहीं, हम पहुँचने वाले लगभग। ओके, ये रॉन्ग साइड जाना सही नहीं होगा, यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कार गई दोस्त। ओह शिट, अभी घिसते बची दोस्त। ओके, कोई बात नहीं, अब पहुँचने वाले हम काफ़ी नज़दीक पहुँचते हुए केबल कार के। ओके, मज़ा आ GTA 5 में एक अलग ही मज़ा है। तो एक GTA 5 जब भी आप ऑन करते हो एक अलग ही फील आता है, रॉकस्टार गेम्स फील आती है जो कि मुझे बहुत बेहतरीन हूँ, बेहतरीन है जो कि फीलिंग बहुत। रॉकस्टार गेम्स का एक और नया जो कि आपको पता ही होगा सब लोगों को कि इसका एक नया गेम आ रहा है Red Dead Redemption 2, जिसके लिए वो भी एक तरह से GTA 5 जैसा ही होने वाला है। उसका भी बहुत ही बड़ा वर्ल्ड है, मतलब GTA 5 में भी इतना बड़ा नहीं है जितना, मतलब क्रियो 2 से भी बड़ा, GTA 5 से भी बड़ा Red Dead Redemption 2 का वर्ल्ड होने वाला है। उसमें मैंने सुना है कि GTA ऑनलाइन के टाइप Red Dead Redemption 2 होगा, वो एक तरह से रिप्लेस करेगा GTA ऑनलाइन को। तो मुझे देखना है कैसे, क्योंकि उसमें काउबॉयज बहुत सारे हैं और मज़ा आएगा। सो यहाँ पर ट्रैक्टर है, क्या बात है, मैं ओवरटेक करने वाला हूँ। ओके, ग्रैंड सनोरा डिजर्ट पहुँच चुके हैं हम, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। ओके, 5.60 किलोमीटर जाना है हमें, वे कैन ब्रेकिंग डो वेट। तो मैं इसको ओवरटेक करने वाला, एक तरह से मैं डेजर्ट में हूँ, मतलब एक तरह से ये सबसे बेहतरीन डेजर्ट प्लेस, डिजर्टेड प्लेस, डिजर्ट वाली प्लेस मुझे मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही कम होता है,
यहाँ पर आप बहुत तेज चला सकते हो स्पीड में कार, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगर आप सिटी में होते हो तब रेस्ट्रिक्शन है दोस्त, क्योंकि वहाँ पर आप स्पीड नहीं चला सकते, तो ये काफ़ी खतरनाक वाली बात होती है। ओके केबल कार हम आ रहे हैं, मुझे देखना है केबल कार होती कैसे, GDA 5 में कैसी लगती है। अगर मैं जो सोच रहा वो है, पर मैं कभी चढ़ा नहीं हूँ केबल कार या जो भी एयर सपोर्ट, जिसमें भी एयर सब कोई भी चीज़ है, मैं कभी चढ़ा नहीं हूँ। सो मेरे लिए ये GDA 5 में फर्स्ट टाइम है और रियल लाइफ में भी फर्स्ट टाइम कि मैं इसको विटनेस कर पा रहा हूँ। ओके एक तरह से मैं डिजर्ट ही पहुँचूँ, यहाँ पर तो रोड भी नहीं है, यहाँ पर केबल कार मिलता है, क्या बात है दोस्त। एक तरह से वो काफ़ी खतरनाक जर्नी वाला होने वाला है देवा। तो इसमें एनिमल्स भी मस्त मस्त है यार, और इसका ग्राफिक्स दोस्त, मैं बार बार थकता नहीं उसके ग्राफिक्स की तारीफ करते, क्योंकि इसके ग्राफिक्स अभी भी बीट कर सकते हैं नए गेमों को आराम से, इसलिए मैं काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ग्राफिक। तो हम पहुँच ही चुके हैं, तो 3.77 किलोमीटर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, हम एक तरह से पहुँच ही गए हैं केबल कार की वहाँ पर। ओके जैसे चलते हैं बस ये कार, यहाँ पर भी बहुत सारी कुछ कारें जा रही है, मुझे नहीं पता क्यों जा रही है, बट आई डोंट केयर क्योंकि मैं जाना है। और यहाँ पर वो बाइक तो सांचेस वाली थी। ओके कोई बात नहीं, तो ये ब्रिज मस्त है यार, नज़ारा देखिए यार, नज़ारा देखने का अलग ही मज़ा है GDA 5 में, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को थोड़ी रोकी है, एकदम मज़ेदार नज़ारा है दोस्त। ओके चलते हम आगे, अब रोड में देख सकते हैं गाड़ी के निशाने पर जा रही है टायरों की। ओके आगे डियर है दोस्त, ओह शेर तो बागी वो। ओके सब कुछ रियलिटी है दोस्त, इसे बोलते हैं GDA 5। ओके बगी गई मेरे सामने से, दैट इज इनसेन। यहाँ पर बहुत एनिमल्स बहुत हैं यहाँ पर बहुत सारे। ओके कोई बात नहीं। ओके केबल कार का रास्ता यहाँ से दिखा रहा है एक तरह से, लेट मी चेक मैंने कुछ मिस किया है क्या, यहाँ से कोई वे है का केबल कार का। ओके ये टॉप में वाला वे, ऑब्वियसली मेरा GPS गलत नहीं दिखाएगा, तो इसका GPS बहुत एक्यूरेट है दोस्त, ये GDA 5 है तो ऑब्वियसली ये आपको सही वे दिखाता है हमेशा। तो अभी तक हम जा रहे हैं ऊपर ही, तो पहुंचने वाले लगभग। ओए आराम से डियर, सॉरी आई डिडंट मीन दैट, ओह वेट मैंने कत्ल कर दिया एनिमल का, मुझे मैं नहीं चाहता था, वो सामने आ गया है। मैं ओह क्या नज़ारा है यार, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ अगर किसी को ऑफेंड हुआ हो यार, मैं कुछ नहीं कर सकता था, वो सामने आ गई थी, कोई बात नहीं यार, ये कुछ ज़्यादा ही मस्त नज़ारा है दोस्त। कितना खूबसूरत गेम है ये। ओके कोई बात नहीं हम चलते हैं, एक तरह से आई थिंक रात हो जाएगी पहुँचते, तो ये टनल का रास्ता है। ओके लेट्स सी, वो मेरी गाड़ी का रंग ही बदल गया, येलो लग रहा होगा को मेरी कार, पर येलो नहीं है क्योंकि यहाँ पर आई थिंक लाइटिंग ऐसी है जो कि जिसने बदल दिया है। ओके क्या है, चिलियड माउंटेन स्टेट वाइल्डरनेस। ओके जो भी है, तो मेरा GPS अभी शो नहीं कर रहा है, आई थिंक अंडर में GPS शो नहीं करता है। ओके ओ एकदम रियल की तरह, गूगल मैप्स की तरह, अगर आपने गूगल मैप में भी नोटिस किया होगा तो वहाँ पर भी शो नहीं करता है। ओके ओके नया वे हम विटनेस कर रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन एहसास हो रहा है, जो कि कहाँ से वे, ओके 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 हियर वी गो, ये वे कहाँ कहाँ से यार, केबल कार यहाँ पर कहाँ जंगल में है, मैं अभी तक एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ बट मुझे अभी तक केबल कार मिली नहीं है। ओके 1.73 किलोमीटर, तो ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ पर मुझे आई थिंक साइकिल या BMX बाइक लेकर आनी चाहिए थी, क्योंकि ये गाड़ी वाला वे नहीं है। ओके मैं सोचा यहाँ पर कोई एनिमल मारा, बट नो। ओके आई थिंक ये GPS ने सबसे बेस्ट शॉर्टकट मेरे लिए बताया है कि यहाँ से आप जा सकते हो आसानी से। ओके कोई बात नहीं हम चल रहे हैं। ओके ये काफ़ी जंगली रोड है दोस्त, मुझे देखना है, मैं अभी भी एक्साइटेड हूँ, केबल कार मैं आ रहा हूँ दोस्त। ओके ओके आराम से दोस्त। ओके ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है क्योंकि यहाँ से मेरी गाड़ी गिरी तो ऊपर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। 1.30 किलोमीटर, ओके लेट्स फ्रीकिंग गो गो गो। ओके ओके चढ़ा देना है। ओके तो अब एकदम आई थिंक माउंटेन के टॉप में आ चुके हैं, वो भी कार लेके, जाते टाइम क्या फटेगी मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर फिर। ओए मंकी इनसेन, इसमें मंकी भी है, मुझे नहीं पता था GDA 5 में मंकी भी है, तो मैं इसको मारना नहीं चाहता, तो प्लीज़ GDA 5। ओके ओके अब थोड़ा इंजन पावर ज़्यादा ही लगेगा। ओह शिट, ओ ओ ओ ओके ओ ओ ओ शेर, हमने फंसा दी अपनी कार। ओके बच गई कार, बच गई, तो पहले मुझे देखना है, मैं जैसे ही बता रहा था यहाँ पर कार लेके आना सही नहीं होगा, बट फिर भी मैं इसको कार लेके जाने वाला एकदम ऊपर। ओके लेट्स ट्राई, मे बी मैं लेके जा सकूँ। ओके हियर वी गो, इंजन पावर है दोस्त, पर फट रही है लेके जाने में क्योंकि इंजन पावर इतना भी। ओके ओके आराम से, ओ शेर मैंने इंजन पावर खो दिया अपने। ओके 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 जल्दी 1.8 किलोमीटर हम पहुँचने वाले हैं, पता नहीं जाते टाइम कितना, जाते टाइम वाला मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, पर मुझे सही दिक्कत होने वाली दोस्त। एक तरह से जाते टाइम मैं अपनी हत्या कर दूंगा सबसे बेस्ट जी, ताकि हॉस्पिटल में मिलूं मैं एकदम डायरेक्ट, वो अलग बात है पैसे जाएंगे मेरे। नौजा मीरा, ओके कूल हम एक तरह से पहुंचने वाले, वी आर गेटिंग फ्रीकिंग क्लोज, केबल कार के हम एकदम क्लोज पहुँच रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे रास्ते जो दिखा रहा है मेरा GPS वो सही दिखा रहा है।
ओके तो सामने का बहुत रिस्की है, अगर मैं ज़्यादा स्पीड में चलता हूँ तो एक तरह से एकदम सामने की तरफ गिर सकता हूँ दोस्त। ओके ओके आराम से आराम से, नेवर वी गो। ये रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ है, कुछ ज़्यादा ही उबड़ खाबड़। मुझे लगता है कि मैंने सबसे बड़ी गलती की कार लेके आ गया, पर मुझे कार लेके ही नहीं आनी चाहिए थी पहली बार तो। ओके पर फिर भी हम आराम से चलते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके 600 मीटर फिर भी कितना ज़्यादा लग रहा है यार, अभी तक हम पहुँचे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हम स्लो जा रहे हैं, शायद इसलिए हमें लग रहा है स्लो, बट वी कैन डू नथिंग, बट हम स्लो ही जा सकते हैं अभी। ओके ये क्या है, यहाँ से वे है भी क्या? नहीं ओके वे है, काफ़ी घुमावटी है दोस्त। मुझे लगता है केबल कार एकदम आपके टॉप में होगी, तो वहीं पर ही मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके आराम से दोस्त, खाई आगे 500 मीटर जिंदगी के नाम क्या हो जाएगा भाई। यहाँ पर वैसे चल चल के भी जाना सबसे बेस्ट आइडिया रहता है, बट कोई बात नहीं हम ऐसे ही जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा अपर कर लेता हूँ अपना हेडलाइट ताकि मुझे दिखे सब, यार ऑब्वियसली मुझे दिखना चाहिए, अगर मैं नहीं दिख सकता तो आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर मैन। ओके आराम से, ओके मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर कोई इंसान मिलेंगे, क्योंकि ऐसे टाइम पे इंसान मिलना मुश्किल है, मर्डर ज़्यादा मिलते हैं ऐसे टाइम पे। ओके जो भी है मैं फियरलेस। ओके ये पहाड़ी का उत्तरी, मुझे और ऊपर जाना है क्या? ओह शेट मैं अपनी गाड़ी को कैसे उठाऊंगा मुझे भी नहीं पता, अगर गाड़ी नहीं उठती है तो हम चल के ही जाएंगे। लेट्स सी कि गाड़ी उठती है क्या नहीं। ओके ओके आराम से दोस्त, दैट इज ब्रेकिंग क्राइज है। ओके 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 गाड़ी उठ गई है लगभग, केबल कार तक हम पहुंच गए हैं। ओके आराम से, एकदम टॉप में आपको आना पड़ता है केबल कार का मज़ा लेने के लिए। ओके हम पहुंच ही चुके हैं। तो क्या था, किसको मैंने मारा? आई डोंट नो, मैंने किसी को मारा शायद, शेट मुझे भी नहीं पता मैंने किसको मारा। ओह मैन आई थिंक वो इंसेक्ट थी शायद, शेट यार उससे सॉरी लिटिल डूड बोला, मैं सोचा कुछ किसको मार दिया मैंने। ओके हम फाइनली पहुंच चुके, तो आई थिंक मुझे कार यहाँ पर रख देनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा ऊपर रखने वाला हूँ। ओके यहाँ पर रखना सबसे बेस्ट रहेगा, तो चलते हैं केबल कार का आनंद लेने और देखते हैं यहाँ पर केबल कार कैसी है। तो मैंने यहाँ पर रख दी अपनी ऑसम सी कार। अरे अरे आराम से यार, इसको चलना भी नहीं आता है क्या? फैंकलिन व्हाट द हेक मैन, मेरी नाक मत कटा। ओके ओह मैन ये इनसीन है, केबल कार यहाँ पर चलती है, मैं चला सकता हूँ कि नहीं? मुझे वैसे करने के लिए करना क्या पड़ेगा चलाने के लिए? ओके मैं वहाँ पर जाते पहले थोड़ा सा आराम से गिर मत जाना। ओके ओके हियर वी गो हम पहुँच चुके हैं केबल कार की दुनिया में, तो यहाँ से हम केबल कार लेंगे और शायद हम राइड कर सकते हैं, लेट्स सी। और यहाँ पर काफ़ी खतरनाक नज़ारा है वैसे तो, काफ़ी डेयरिंग नज़ारा है। ओके यहाँ से चलते हैं, इफ़ यू विश टू वेट अ केबल कार विल अराइव शॉर्टली। ओके केबल कार हम आने वाले हैं, क्या बात है दोस्त, केबल कार आने वाली। यहाँ पर कुछ चमक रहा है वैसे तो, ये क्या है मुझे भी नहीं पता, ये टोकन है क्या है? ओके लेट्स सी क्या है ये। ओके मुझे मिल गया, ओके आई थिंक पैराशूट था वो, मे बी या वो पैराशूट ही है। ओके कोई बात, इसको इक्विप कैसे करते मुझे भी नहीं पता है। ओके केबल कार एक आ रही है, क्या बात है केबल कार, वैसे चढ़ते कहाँ से? ओके यहाँ से चढ़ते होंगे। ओके ओके केबल कार खुल जा रही थी, ओ माय वीर। ओके यहाँ पर पहुँच चुके हैं, राइड द केबल कार। ओके ए टू स्किप द राइड और चेंज व्यू भी कर सकता हूँ मैं। ओके हम व्यू लेने वाले हैं थोड़ा सा पास से उसके बाद। ओके ये केबल कार बहुत बेहतरीन है, मैं अपनी राइड की स्किप भी कर सकता हूँ, बट मैं स्किप नहीं करने वाला क्योंकि मैं इतना मेहनत करके इतना दूर इस राइड का मज़ा लेने आया दोस्त। तो ये सिनेमैटिक व्यू है, तो यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते कितने ऊपर हूँ मैं, बहुत ऊपर, और यहाँ पर बेहतरीन यार इसकी तो चढ़ के कितना डेयरिंग लगता हुआ ना, कितना खतरनाक फील होता है वहाँ से प्लेन जाता हुआ, काफ़ी एक खूबसूरत जो एक एनवायरमेंट होता है वो एकदम मस्त क्रिएट हुआ है GT5 के द्वारा। ऑसम में ऑसम, आई एम लविंग इट दोस्त। ओके तो व्हाट इज हैपनिंग, ओके मैं फर्स्ट पर्सन मोड में हूँ, यहाँ से मैं कैमरा जरूर घुमा सकता हूँ। ओके एकदम नीचे जा रही है, तो इसमें ईजी हो जाता है कि अगर मैं ऊपर आया तो मेहनत कर, मेरी कार तो गई। मैं कार लेके नहीं आने वाला, तो ऑब्वियसली मुझे नीचे आई थी कि ऊपर जाने का रास्ता हुआ तो सही है, क्योंकि मैं कार लेके नहीं आने वाला हूँ। नज़ारा कितना खूबसूरत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है रे देवा। सिनेमैटिक व्यू में मैं ज़्यादा अपना नज़ारे का मज़ा ले पा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पर्सन में मैं देख नहीं पा रहा सब कुछ, यहाँ पर मैं अपना ऊपर का आसमान देख सकता जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ओके हियर वी गो, हम नीचे जाते हुए सिटी की तरफ जो कि बहुत ही जगमगाती, यहाँ से मैं थोड़ा बहुत देख पा रहा हूँ तो इसलिए मैं कभी कभार फर्स्ट पर्सन मोड भी कर लेता हूँ, बट हमेशा नहीं क्योंकि फर्स्ट पर्सन मोड में इतना मज़ा नहीं है जितना थर्ड पर्सन में। इन GT5 में आपको थर्ड पर्सन खेलना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम बहुत ही बेहतरीन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ पर एक और केबल कार आ भी रही है ऊपर, वैसे खाली आ रही है, ऑब्वियसली ये फ्री राइड है तो जैसे कि मुझे एक पैसा भी देना नहीं पड़ा तो ये सही है। वैसे ये काफ़ी स्लो राइड होती है, बट आप
इन्वायरमेंट का मजा ले सकते हो। इसमें टेसलेशन देखा है आपने, तो मैं बता दूँ इसमें टेसलेशन ऑन है। तो टेसलेशन का मतलब ये होता है कि जब पत्ते हिल रहे होते हैं, तो ये ग्राफिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट है, जो कि मुझे लगता है क्राइसिस 3 में आया था फर्स्ट टाइम, एंड सॉरी गोस्ट रिकॉन फर्स्ट अल्टीमेट सोल्जर में आया था, क्या पार्ट का नाम क्या था मुझे, फ्यूचर सोल्जर सॉरी, उसमें फर्स्ट टेसलेशन मोड आया था जिसमें ऐसे आपके पत्ते हिलते थे, तो मैं बहुत दीवाना हो गया था उस मोड का। उसके बाद GTA 5 में भी दिया है और रॉकस्टार के हर गेम में होंगे मुझे पता है, रेड डेड में भी होगा। तो ये मुझे बहुत बेहतरीन ग्राफिक लगता है। ऑब्वियसली हम नीचे आने वाले हैं और यहाँ पर चीजिंग तो चलती रहती है दोस्त, ये लॉस सेंटर्स यहाँ पर क्राइम की कमी नहीं है दोस्त। ओके तो हम एकदम आगे की तरफ आने वाले हैं, एकदम वहाँ पर हम, उसके बाद हमारा सफ़र यहीं पर ही ख़त्म होगा शायद, और मेरी कार ऊपर ही रहेगी। क्या बात है, इसे बोलते हैं बेहतरीन अंदाज, कार ऊपर रहेगी कोई बात नहीं, पर हम पहुँच गए यहाँ पर, इसे बोलते हैं सही बात। ओके हम पहुँच चुके हैं अपने स्टेशन में, ओके हम सेव कर सकते हैं मेरे $10 के दोस्त, फ्री नहीं थी ये राइड, ओ मैन मुझे लगा ये राइड फ्री है। तो यहाँ से कोई वे है नीचे जाने का, मैं यहाँ से कूदता हूँ तो मेरे आई थिंक सही इंजरी होगी ना शायद, ना इतना भी नहीं होगी, ओके हियर वी गो, तो ज़्यादा इंजरी नहीं हुई है। सो थोड़ा सा सिटी में जाते हैं यार, मैं क्या कर रहा था, मैं सोचा था वहाँ से आई थिंक मैं कूद भी सकता था ना, पर कोई बात नहीं, तो मैं जंगल में क्यों, मुझे रोड में जाना है। ओके रोड मेरे सामने है यहाँ पर, ये सब कुछ ओके यहाँ पर रोड है, क्या बात है, रात के टाइम GTA का मज़ा ही कुछ आ रहा है। ऊपर से मैं जंगल के यहाँ पर हूँ जो बहुत ही बेहतरीन है। ओके हम पहुँच चुके हैं ग्रेट ऑसन हरी जो भी है। सो ये रहा हमारा आज का एडवेंचर GTA 5 का, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। हमने इस केबल कार का मज़ा लिया जो कि बहुत ही मस्त था, इसमें एहसास अच्छा हुआ आपको, अच्छी इन्वायरमेंट, अच्छी हवा मिली, बहुत कुछ मिली। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ स्मैश दैट लाइक बटन, सो अगर आप चाहते हैं ऐसे एडवेंचर में और करूँ तो लाइक ठोकना मत भूलिएगा। मैं अगला एडवेंचर बहुत सारे ऐसे करता रहूँगा, मैं ऐसे बहुत सारी जगह भी जाऊँ जहाँ अजीबोगरीब चीज़ मिली GTA 5 में, उसके साथ साथ स्टोरी मोड भी चलती रहेगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ स्मैश दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वी आर वेस्ट डायवर्जन। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में।